जय हिंद। मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 5 PM से यानी सांझ को हम लोग दो शिफ्ट में हम लोग का क्लास ऑनलाइन पढ़ रहे लाइव के माध्यम से, पहला सुबह 9 AM से और शाम में 5 PM से। तो 5 PM में पिछले क्लास में आपका क्लास नहीं हुआ था इंटरनेट प्रॉब्लम के चलते, आज आपका से क्लास आपका रेगुलर होगा, है ना। तो इंटरनेट इशू के चलते अगर क्लास से बीच बीच अगर नहीं हो रहा तो समझिएगा इंटरनेट इशू है, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी, है ना। पॉलिटी का आपका टाइम टेबल पता ही होगा, सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक यानी 4 दिन आपका पॉलिटी चलेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पॉलिटी सॉरी पॉलिटी पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अनुसूची यानी कि भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं तो उसी को हम लोग पढ़ रहे थे और कुल लगभग लगभग 7 तक पढ़ चुके थे या 8 तक, कमेंट में जरूर बताइएगा। 7 या 8 तक पढ़े थे, 7 तक ही शायद पढ़े थे, है ना। तो 7 के बाद 8, 9, 10, 11 और 12 आज कम्प्लीट कर देंगे, पार्ट 2 में कम्प्लीट हो जाएगा। तो अनुसूची है ना, शेड्यूल हम लोग पढ़ेंगे यानी कि भारत की अनुसूची अनुसूची हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने शेड्यूल है यानी कि अनुसूची। तो जब संविधान हमारा बना तो उस समय ध्यान रखिएगा, जब हमारा संविधान बना उस समय भारतीय संविधान में यानी अनुसूची की संख्या यानी शेड्यूल की संख्या कितना था तो 8 था, बाद में 4 जोड़ा गया है, है ना। तो कुल मिलाकर अब कितना हो गया, 12 अनुसूची है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 7 तक पढ़ लिया था, तो आज एक बार आपको पुनः रिकॉल करवा देते हैं, पुनः रिव्यू करवा देते हैं। तो मेरे साथ बोलिएगा, है ना। पहला अनुसूची 1 संघ एवं राज्य में परिवर्तन, अनुसूची 2 उच्च अधिकारियों का वेतन भत्ता, अनुसूची 3 उच्च अधिकारियों का शपथ ग्रहण, है ना, जिसमें से केंद्र से 4 होगा और 4 राज्य से, 3 हो गया 4, अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 4 हो गया कम्प्लीट, 5 अनुसूची 5 यानी शेड्यूल 5 को देखेंगे। तो शेड्यूल 5 क्या कहता है, तो एससी एसटी का आरक्षण का प्रावधान, एससी एसटी का आरक्षण। 6 हम लोग चलेंगे तो पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्यों का आरक्षण, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों का आरक्षण दिया गया अनुसूची 6 के तहत, सॉरी 5 के तहत, 6 के तहत, हाँ। तो अनुसूची 6 के तहत क्या दिया गया, 4 राज्यों को कौन कौन, आत्मा ट्रिक भी बताया थे, असम त्रिपुरा मस मिजोरम और मस मेघालय, मणिपुर याद रखना मणिपुर नहीं होगा, ध्यान रखना। तो अनुसूची 7 चलेंगे, अनुसूची 7 में बताए थे आपको कि संघ एवं राज्य के बीच विषयों की चर्चा यानी कौन सा विषय संघ को होगा कि उस पर वो निर्णय संघ यानी सेंट्रल सरकार बनाए, कौन सा विषय पर राज्य सरकार अपना नियम कानून बनाए, है ना, और कौन सा विषय पर दोनों नियम बनाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं यानी कि विषयों को चर्चा किया गया के अनुसूची 7 के तहत। और बताए थे आपको पिछले क्लास में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय समझ अनुसूची यानी राज्य संघ सूची में कितने संख्या थे यानी विषय की संख्या 97, लेकिन अब कितना 100 हो गया है, राज्य सूची में पहले 66 था यानी 66 और अब कितना हो गया, 5 घट गया, और कहां जोड़ दिया गया है, तो जोड़ दिया गया आपका संवर्ती सूची में, कब, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 5 यानी कि राज्य सूची के 5 विषय को संवर्ती सूची में डाल दिया गया है ना। तो अब संवर्ती सूची की संख्या कितनी होगी, 47 या 52, और कौन कौन सा विषय डाला गया राज्य सूची से उसको आपको ट्रिक भी बताया था, सजनवा, स से शिक्षा, ज से जनसंख्या नियंत्रण, स ज न से न्याय, व से बाट और व से वन, ये ध्यान रखना। तो 7 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम लोग बेसिकली 8 से स्टार्ट करेंगे और आपका 12 तक चलेंगे। तो हेडिंग में लिखी अनुसूची 8, अनुसूची 8, यहाँ 8 देख लीजिए, फिर यहां लिखेंगे अनु, इस तरह से लिखेंगे तो 9 शॉर्टकट लिख रहे हैं आपको, इधर अनुसूची 10 और अनुसूची 11 और इधर देख लीजिए अनुसूची 12, ये अनुसूची आपका क्या हो गया 12। तो अनुसूची सबसे पहले हम लोग 8 समझेंगे, तो अनुसूची 8 क्या कहता है, तो देखिए अनुसूची 8 में क्या उल्लेख मिलता है, भारतीय भाषाओं के, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय 14 भाषाओं को भारतीय भाषा की यानी कि राष्ट्रीय भाषा का मान्यता दिया गया, और उसका उल्लेख कहाँ मिलेगा, तो अनुसूची 8 में मिलता है। लेकिन धीरे धीरे लगा कि इसको भी यानी कि अलग अलग भाषाओं को लगा कि सरकार को लगी कि इसको इसी को भी राष्ट्रीय भाषा का मान्यता देना चाहिए, तो जब यानी मूल संविधान में पर भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो 14, बाद में 8 जोड़कर यानी कि अब कुल कितने हो गए हैं, तो 22, ध्यान रखिएगा।
है ना, तो आप हम लोग देखेंगे अनुसूची 8 के तहत। अनुसूची 8, 9, 10, 11 और 12 पढ़ेंगे, है ना। तो आपको बताया था कि अनुसूची 8 के तहत यानी कि अनुसूची 8 में क्या क्या उल्लेख मिलेगा, तो भारतीय भाषाओं की यानी कि चर्चा किया गया पहले, यानी जब हमारा संविधान बना यानी मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो 14 और बाद में 8 जोड़ा गया है। ये कौन कौन 8 जोड़ा गया है तो याद रखिएगा। पहला जोड़ा गया देखिए 21वीं संविधान संशोधन यानी 1966 और 67 के तहत कौन सा भाषा को जोड़ा गया है, तो सिंधवी भाषा को जोड़ा गया यानी भारतीय यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार ने एक लगा कि अब सिंधवी भाषा है जो यानी सिंधु है ना, सिंधवी भाषा है जो भारत को राष्ट्रीय भाषा का मान्यता मिलने चाहिए, तो इंदिरा गांधी की सरकार ने 21वीं संविधान संशोधन कब हुआ तो 1966-67 यानी कि 1966 और 67 के तहत सिंधवी भाषा को है ना भारतीय भाषाओं की सूची में शामिल किया गया। ये कब हुआ तो 21वीं संविधान संशोधन, फिर एक और जोड़ा गया यानी देखिए अब 71वीं संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है ना, तो कब जोड़ा गया 1992 में यानी 71वीं संविधान संशोधन 1992 के तहत तीन भाषा का जोड़ा गया। ये तीन भाषा कौन है तो नमक से याद रखिएगा, न से नेपाली, न से क्या है नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। ये कोंकणी कहाँ की भाषा है तो गोवा की भाषा है, यानी 71वीं संविधान संशोधन 1992 के तहत तीन भाषा को और जोड़ा गया। कौन कौन सा भाषा है तो ठीक है आपको नमक और न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। उसके बाद और जोड़ा गया कौन तो देखिए अभी कुल कितना हो गया, तो देखिए प्रश्न क्या आएगा आपको जनरली, 14 भाषा तो पहले संविधान में था ही, अब प्रश्न इससे आएगा कि भारतीय भाषाओं में 15वीं भाषा को किसे कौन सा भाषा को जोड़ा गया है यानी भारतीय भाषा यानी भारत के 15वीं भाषा की सूची में किसको शामिल किया गया है, तो कौन होगा 14 पहले से था तो 15 पहले जोड़ा गया 15। उसके बाद ट्री ई आपका जितना है 16, 17 और 18 ध्यान रखिएगा। उसके बाद और चार देखेंगे, फिर देखेंगे हम लोग 52वीं संविधान संशोधन। 52वीं संविधान संशोधन कब हुआ तो 2003 के तहत जोड़ा गया बदमाश को, बदमाश ब से क्या है तो ब से बोडो, द से डोंगरी, म से मैथिली और स से संथाली। यानी 71वीं संविधान सॉरी 52वीं संविधान संशोधन 2003 के तहत बदमाश शब्द को जोड़ा गया। बदमाश में ट्रिक याद रखिएगा, ब से बोंडो, ड से डोंगरी, म से मैथिली और स से संथाली। ये आपका कुल अनुसूची 8 कंप्लीट हो गया है ना, अनुसूची 8 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अनुसूची क्या देखेंगे, 9 देखेंगे। तो अनुसूची 9 में सबसे पहले क्योंकि ये तो यहाँ तक जो है ये मूल संविधान का है ना, ये मूल संविधान का जो यानी भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी, अब 12 हो गया, लेकिन पहले जब संविधान बना उस समय संविधान की संख्या कितनी थी 8। तो यहाँ तक जो पढ़े यानी 1 से लेकर 8 तक ये पहले यानी मूल संविधान का बीच अनुसूची है, यहाँ से 1, 2, 3, 4 को बाद में जोड़ा गया है। अनुसूची 9, 10, 11 को बाद में जोड़ा गया है, तो इसको कब जोड़ा गया है देखिएगा, जब हमारा देश आजाद हो गया, तो आजाद हो गया तो सबसे बड़ा समस्या ये हो गया कि जमींदारी प्रथा यानी किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा जमीन है और किसी व्यक्ति के पास एक रहने के लिए भी जमीन नहीं है ना, तो सरकार ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा समस्या है। ये पहला है ना, अंग्रेज का शासन तो चल नहीं रहा, अंग्रेज के शासन में चलता था कि जिसका जो जमीन है जमींदार है वो जमीन रहेगा, लेकिन सरकार ने सोचा कि अब तो हमारा संविधान है, हमने मौलिक अधिकार यानी अपने मौलिक अधिकार दिया है अपने जनता को, भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, तमाम तरह के अधिकार दिए गए, तो क्या एक ऊंच वर्ग जहां एक ऊंच ऐसा वर्ग है जिसके पास काफी मात्रा में जमीन है और एक ऐसा निम्न वर्ग है जिसके पास रहने के लिए भी जमीन नहीं है, है ना, तो इसको सरकार को लगा कि इस चीज को समाप्त करना है, तो जमींदारी प्रथा को सरकार को लगा कि लगता है कि जमींदारी प्रथा अब ठीक बात नहीं है, है ना, मालिक कहना लोग अब तो देश कर आजाद हो गया, तो सरकार ने सोचा कि जमींदारी प्रथा को उन्मूलन मतलब पूर्णतः समाप्त कर देना। सरकार ने नियम लाया कि कब कि जमींदारी प्रथा को हटा दिया जाए, और उस समय जब आजाद हुआ भारत का तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था, जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखिएगा,
जवाहरलाल नेहरू ने, क्या जवाहरलाल नेहरू ने पहली संविधान संशोधन, पहली संविधान संशोधन कब हुआ तो 1991 के तहत जमींदारी प्रथा को, है ना, जमींदारी प्रथा को हटाने के लिए, यानी जमींदारी प्रथा को उन्मूलन करने के लिए 21वीं पहली संविधान संशोधन 1991 के तहत अनुसूची 9 को जोड़ा। किसको जोड़ा? तो अनुसूची 9 को। तो बताइए, किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा जमीन है और किसी व्यक्ति के पास जमीन नहीं है, तो एक व्यक्ति है ना, जो एक है व्यक्ति कोहिलवा, ये कोहिलवा है, ये कहाँ के हैं? तो एक तमिलनाडु के, तमिलनाडु के भी जमींदारे व्यक्ति हैं। तो इनको लगा कि अरे भैया, ये जमींदारी प्रथा का हटा रहा है, हमारा जमीन है, हम जो भी कर सकते हैं। तो सरकार ने कानून लगा दिया कि देखिए, सरकार ने जब ये जमींदारी प्रथा लाया तो सरकार ने सोचा कि अगर एक व्यक्ति को अगर जमीन मतलब अधिकार मिलेगा तो जो जिसका पास जमीन है वो जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर देगा और जीत जाएगा। तो सरकार ने नियम लाया कि देखो, यानी कि अनुसूची 9 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जो भी रिट यानी केस दायर होगा उसको चुनौती यानी मान नहीं रखा जाएगा, है ना। संविधान में किसको मान नहीं रखा जाएगा? तो अनुसूची 9 को, यानी अनुसूची के 9 को अगर जमींदारी प्रथा से रिलेटेड केस किया जाता सर्वोच्च न्यायालय या किसी न्यायालय में तो उसका कोई मान नहीं रखा जाएगा, यानी चुनौती नहीं होगा। तो केस कर दिया कौन? कोहिलवा बनाम तमिलनाडु से, तमिलनाडु सरकार यानी तमिलनाडु में केस कर दिया, तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु हाईकोर्ट में कौन? कोहिलवा। तो कहा कि हमारे पास जमीन है तो इसका जमींदार हम रह सकते हैं। तो तो सुप्रीम कोर्ट ने मामला चल गया कहां? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर निरस्त कर दिया यानी खारिज कर दिया कि यह किसी भी प्रकार का संवैधानिक यानी संविधान को ढांचा को प्रभावित नहीं करता, है ना। संविधान का क्या ढांचा को प्रभावित कर रहा? नहीं। एक व्यक्ति के पास अधिक जमीन रहेगा और एक व्यक्ति को रहने के लिए भी जमीन नहीं, तो इसी को लिए अनुसूची 9 को लाया गया। तो अनुसूची 9 समझ गए। अब हम लोग अनुसूची 10 देखेंगे। तो अनुसूची 10 के पहले आपको थोड़ा सा एक कहानी सुना देते हैं तो इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। किस कब? 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद इसका यानी कि कौन भारत का प्रधानमंत्री बनता है? तो इंदिरा गांधी का पुत्र राजीव गांधी, राजीव गांधी यानी कि 1984 यानी कि जब मृत्यु हो गया तो 1985 में निर्वाचन हुआ, आम निर्वाचन यानी भारत के लोकसभा का चुनाव हुआ। तो उसमें 1985 में राजीव गांधी, चूंकि ये जब इंदिरा गांधी की मृत्यु होने से ये जो राजीव गांधी है पूरा बहुमत में सरकार में आया, यानी कि पुनः एक बार सरकार में आया, है ना। आज भी जनरली देखा होंगे कि अगर कहीं उपचुनाव होता है यानी चुनाव होता है तो सहिष्णुता वोट मिलता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का परिवार मर जाता है तो उसी पर रिलेटेड, है ना, वोट दे जाते हैं। तो इसी का फायदा किसको मिला? राजीव गांधी को। इंदिरा गांधी मरी, उसके बाद इंदिरा राजीव तुरंत चुनाव हुआ 85 में, तो चुनाव 85 में चुनाव हुआ तो राजीव गांधी पूर्व बहुमत की सरकार से आया। और राजीव गांधी आपको पता होगा कि खूब हेलीकॉप्टर से घूमने वाला व्यक्ति, विदेश में घूमने वाला व्यक्ति थे। कौन? राजीव गांधी। तो हमेशा क्या कि सरकार बनने से पहले भी घूमते रहते थे राजीव गांधी, है ना। तो सरकार बना तो कुछ दिन बाद हमेशा हेलीकॉप्टर के चालक यानी इनका शौकीन भी था तो घूमते रहते थे। तो जो इनके जो बड़े कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे इनको लगा कि अब सरकार सही से नहीं चल पाएगा। कारण ये हमेशा है राजीव गांधी प्रधानमंत्री है भारत के जो हमेशा घूमित रहते हैं तो इसे करने से कोई काम धाम नहीं चलेगा। तो इन सब ने सोचा यानी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सोचा कि अब क्या करते हैं कि पार्टी में जो है ना अंतर कला यानी पार्टी को तोड़कर एक अलग संगठन से फिना हम लोग यानी कि दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो इनको भनक लग गया कौन? राजीव गांधी को, कि हमारे पार्टी के बड़े लीडर क्या कर रहा है कि पार्टी बदलने का नाम ले रहा है, यानी कि सोच रहा है कि हम दूसरे दल को बनाकर दूसरे दल में बदलाव कर ले। तो 1985 में ही यानी 52वां संविधान संशोधन के तहत, किस केमा संविधान? 52वां संविधान संशोधन के तहत राजीव गांधी ने दल बदल कानून को लाया। किसको लाया? दल बदल। यानी दल बदल कानून को कब लाया गया? तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया। ये आपका कंप्लीट हो गया, है ना। तो अनुसूची 9 भी कंप्लीट हो गया, 10 भी कंप्लीट, अनुसूची 11 और 12 सिंपल है। देखिए, अनुसूची 11 के तहत यानी कि 73वीं संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया कब? तो 73वीं संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया पंचायती राज व्यवस्था को। फिर 74वीं संविधान संशोधन हुआ कब? तो यह हुआ 1993 में भी ये हुआ तुरंत, यानी 73वीं के बाद 74वीं संविधान संशोधन हुआ। और इसमें
नगर पालिका को जोड़ा गया, नगर पालिका को जोड़ा गया, यानी अनुसूची 12 में क्या जोड़ा गया, तो 74वीं संविधान संशोधन 1993 के तहत नगर पालिका को जोड़ा गया। तो ये आपका अनुसूची कंप्लीट हो गया। तो इसको हेडिंग में लिखिए अनुसूची आठ। तो लिखिए अनुसूची आठ को लिखिए, दस देखे अनुसूची आठ लिखिए दस देखे मूल भारतीय संविधान में मूल रूप से आठ अनुसूची थी। उसके बाद लिखिए आठ अनुसूची थी, उसके बाद दस देखे लिखिए देखिए आठवीं अनुसूची में भारत के 14 भाषा का उल्लेख है। यानी मूल संविधान में कितना भाषा था, 14। लिखिए बाद में इंदिरा गांधी की सरकार ने 21वीं संविधान संशोधन 1966 या 67 लिख सकते हैं, ऑब्लिक देखे 1966 इस तरह से लिखिएगा 1966। कहीं कहीं आपको 1966 भी मिलेगा, कहीं 67 भी मिलता है, तो दोनों भी ध्यान में रखिएगा। बीच का यानी कि नवंबर एंड दिसंबर और जनवरी का समय था, इसलिए दोनों समय आपको चलेगा, जनरली दोनों ध्यान में रखिएगा। अगर तो यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार ने 21वीं संविधान संशोधन 1966 और 67 के तहत सिंधवी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद लिखिए दस देखे इकहत्तरवीं संविधान संशोधन 1992 के तहत नमक भाषा को जोड़ा गया। अर्थात ये आपको ट्रिक है, नमक कोई भाषा नहीं है, ट्रिक है, नमक भाषा को जोड़ा गया। अर्थात न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, ये कहाँ की भाषा है, तो गोवा की भाषा है। ये कंप्लीट हो गया। उसका तीसरा लिखिए 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बदमाश शब्द को जोड़ा गया। अर्थात बोंडो डोंगरी मैथिली एवं संथाली को जोड़ा गया। तो ये आपका अनुसूची आठ कंप्लीट। उसके बाद लिखिए अनुसूची नौ। तो लिखिए दस देखे जमींदारी प्रथा को उन्मूलन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने पहली संविधान संशोधन 1991 के तहत अनुसूची नौ को जोड़ा। ये हो गया। उसके बाद लिखिए इसी में दस देखे यह सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं होगा, यानी इससे रिलेटेड कोई केस नहीं हो सकता सर्वोच्च न्यायालय में, या किसी न्यायालय में नहीं होगा। उसके बाद लिखिए इसी में दस देखे कोहिलवा बनाम तमिलनाडु ने सर्वोच्च न्यायालय में केस या रिट दायर किया, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे यह कहकर निरस्त कर दिया कि संविधान के किसी भी प्रकार के ढांचा का प्रभाव नहीं पड़ता है। संविधान में किसी भी प्रकार के ढांचा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद लिखिए अनुसूची दस लिखिए 1985 के तहत राजीव गांधी की सरकार ने दल बदल कानून को जोड़ा। ये कंप्लीट दस हो गया। उसके बाद लिखिए अनुसूची ग्यारह लिखिए 73वीं संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया
पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूची 11 में जोड़ा गया, उसके बाद लिखिए अनुसूची 12 लिख डैश दीजिए, अनुसूची 12 लिखिए 74वीं संविधान संशोधन, 74वीं संविधान संशोधन 1993 के तहत, नगर पालिका को जोड़ा गया, तो ये आपका अनुसूची कंप्लीट हो गया पूरा सेक्शन। फिर हम ना तो ये आपका भारत का अनुसूची भी कंप्लीट कर चुके हैं, भारत का भाग यानी कि जितना भारत के संविधान में भाग है उसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो बाकी आपका अनुच्छेद बच गया, अनुच्छेद पढ़ने से पहले आपको भारत का संवैधानिक विकास पढ़ना है। तो आपका भारत का संवैधानिक विकास लगभग 5 से 6 क्लास लग सकता है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, भारत का संवैधानिक विकास है ना। तो हमारा क्लास अगर कोई डाउट है क्लास समझने में तो कमेंट में जरूर बताइएगा है ना। तो फिर मिलेंगे हम लोग नए क्लास और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।